कुछ तो जोरों से फिसला है, कुछ गिरते गिरते संभला है। दिन कैसा बीता छोड़ो भी, दिन कैसे बीता मसला है। गुड बाय। ये सफरनामा है मेरे दो दोस्तों का, मगर सफरनामे की शुरुआत पिछली रात से करते हैं। आज 4 फरवरी का दिन है और हमारे दो दोस्तों के पासपोर्ट आ गए। हमारा एक तीसरा दोस्त बंटी, जिसका नेम, वो पहले से यूके में है, और ये दो दोस्त हमारे उनके पास से आ रहे हैं आज। और हम सब दोस्तों की बड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेफली वहाँ पहुँचाए और इनको कामयाब करे। आमीन। बेस्ट विशेज हैं जी दोनों को, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें। और वक्त तो इनके साथ बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, बहुत याद आएगी इनके, लेकिन हमें इस बात का है कि हमारे बंटी भाई के पास जा रहे हैं, ये ठीक रहेंगे। सर वक्त हमारा इनके साथ जितना भी गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, और बाकी ये है कि जैसे सब कहते हैं कि इनकी याद बहुत आएगी, वो तो आनी आनी, और बाकी ये है कि अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात आसान फरमाए, और बस इनके लिए दुआई कर सकते हैं। जी रहमत भाई, आपका भाई जा रहा है, आपके लिए तो एक अलग फीलिंग होगी। हाँ जी, ये भाई है, ये भी भाई है जी, ये छोटा भाई है और ये भी छोटा भाई है, ठीक है जी। अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दें, और ठीक है, और अल्लाह ताला जो हमारा, मैं बंटी के लिहाज से कह रहा हूँ, इन्होंने जरा सलाम दी तरफ लैके जा, ठीक है बंटी, आप नमाज ना पढ़ दे, इन्होंने तनकीद नहीं कर दे। सबसे बड़ी बात, जो हसद और जो शर उनसे बचाए, जो लोग हैं मतलब हसद करते हैं उनसे अल्लाह ताला इनको बचाए, नजर वालों से बचाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो इनको तकियां दे, अल्लाह पाक बंटी जैसे शैतान से भी इनको महफूज रखे। बंटी तो यार फिर, और बंटी के लिए है जी के, बंटी का बड़ी एफर्ट है यार, ऐसे ही बंदा कहे कि बंटी की दोनों के लिए बड़ी एफर्ट है। ऑब्वियसली अगर बंटी इस प्रोसेस में से ना गुजरा होता तो ये दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता। इवन कहीं पता कि बंटी की दफा बंटी को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी, बंटी बहुत मतलब हो गया था डीमोटिवेट, लेकिन फिर भी बड़ा चला। जी 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 बिल्कुल, मैं वाकई अप्रिशिएट करूंगा, बंटी ने हमारी बहुत हेल्प की है। कि इनिशियली तौर पे आपको जाके वहाँ पे सर्टन जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको नहीं पता होता चीज़ें किस तरह होंगी किस तरह नहीं, बट इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, फ्रॉम अपार्टमेंट टू एवरीथिंग, और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच। जी सलमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? यार इस बंदे के बगैर मैं लीव मी अलोन, ठीक है, ये मेरी जान है, भाई है मेरा यार, सर मैं अगर जा रहा हूँ ना तो दो ही बंदे हैं मेरी जिंदगी में जिनकी वजह से जा रहा हूँ, एक मेरा भाई है और एक ये मेरा भाई है, बस ये दो बंदे अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं कभी जा नहीं सकता था, मैं उधर कभी मैं सोच भी नहीं था सकता जाने, कभी भी नहीं था उधर जा सकता, बस इन दोनों की हेल्प मेरे साथ है, तो इसीलिए इंशाल्लाह आगे भी होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, और आप सब भी शक शादीशुदा में जब जो भी है हमारे पास होंगे इंशाल्लाह जल्दी उधर फिर हम इकट्ठे होंगे एक दफ़ा। जी सर प्यार, राइट नाउ क्या फीलिंग्स है आपकी? यार गुड, ऑल हैप्पी, बस अल्लाह सबको कामयाब करे और सब खुश रहें, तो वेरी हैप्पी। नहीं इमोशनली तो आप फील करते हैं ज़रा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और मेरी हर शाम इन दोनों के साथ गुजरी है, ठीक है जी, मेरी और ये हमारे साथ होता था, हम तीनों की ना हर शाम साथ गुजरी है। अब मैं और एसन यही सोच रहे थे कि यार अब हम शाम कैसे गुजारेंगे इन दोनों के बगैर, बाकी दोस्त तो सारे इधर ही थे, ये देख रहे हैं ये बंटी हो गया, बाकी सब तो इधर ही हैं, मगर ये दोनों ना एक हम हमारी लाइफ में स्पेशल थे, तो अब हम मिस करेंगे दोनों को, और स्पेशली मैं तो बहुत मिस करूंगा। अब इमोशनली हम अपने आप को कंट्रोल बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि आंसू तो रिश्ते में पड़े हैं हमारे, बट दुआ करेंगे दोनों के लिए यार, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और हर ख्वाहिश इनकी पूरी हो, वहाँ पर सारे अचीवमेंट अपने कंप्लीट करेंगे, तो अगले साल जब ये वापस आएंगे तो हम लोग इधर ही आपको अगला क्लिप दिखाएंगे। Thank you.
आज 7 फरवरी का दिन है और ये मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त जा रहा है आज यूके, सब कुछ छोड़ के। और एक हमारा दोस्त अभी अंदर है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, वो भी बस आ रहा है, बाहर आ रहा है, अभी उसी घर के बाहर ही खड़े हैं, उसको पिक करने आए। और ये सारे दोस्त इधर आओ दोस्तों, ये हमारा दोस्त जी पहले से ऑलरेडी यूके में, ठीक है जी, इसके पास ये लोग जा रहे हैं, अहमद भाई, ये जी हसीब के बड़े भाई रहमत भाई है, वो हमारे बॉस, ये है जी अपना हमारे बॉस, और ये हम सबका चीता, मेरा लास्ट ऑल टाइम हम सबका फेवरेट एहसन यार, नहीं नहीं आ रहा है, आ जाएगा। और अब हम सब जा रहे हैं, सुबह का टाइम है ऑलमोस्ट 6:40 और बस अब निकलने वाले यहाँ से, अब बाकी सारा रास्ता आपको साथ दिखाएंगे, इन लोगों की आपको फीलिंग्स दिखाएंगे कि आखिर यूके जाने का मेरे सुबह सुबह की फीलिंग्स, आप चेहरे इनके देखेंगे ना आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा, चेहरा देख रहे हैं आप, मेरी बात सुनो, आप सब लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, बंटी इधर आए, बंटी ने कुछ खबरी या तो एक कहानी दो, आपको एक गुड न्यूज देता हूँ, माशाल्लाह आप सब चाचू बनने वाले हैं, माशाल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, मैं अभी कल चेकअप करा के आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, कल सूफी ने इतने भी रोना, कल के भी सूफी ने रोना, मुबारक हो यार, वो जो एहसन है उसने भी बताया अभी मुझे ना, अ हार्ट स्पीड टू द सिटी स्ट्रीट्स We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night सुखे की क्या नाम है उसका कैमो टॉम पे, तो अभी दोस्त वगैरह वो देखे मिलने में, नया दोस्त था वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे मिले नहीं थे, मिले भाई इनसे आके मिले, नहीं नहीं उन दूर है और यार नहीं यार मिलो मिलो, और मेरा मेरा यार मेरा बेस्ट फ्रेंड चीता मेरा, अच्छा एक्सपीरियंस है, फीलिंग कैसी आ रही है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कितनी देर तक रहती है, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगी, बाकी एक्साइटेड भी हैं साथ साथ कि न्यू जर्नी अवेट्स, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बेस्ट ऑफ लक मेरे चीते, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, उन्हें फिर क्या है प्लान है, फिर वो ठोकर पे करें नाश्ता या कहीं और को? देख लो एयरपोर्ट के पास कहीं साफ है कोई देर में, फिर उधर ही करते हैं, टाइम तो काफी है, एक दिन सब कुछ नहीं रहना, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, फिर भी कभी कभी मिल ही सकते हो, होता नहीं जी, वही दुनिया दे झमेले, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ते लाइव दे इशारों पे नचते जाओ, रंग से है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं, जब मिले थोड़ी फुर्सत खुद से कर ले मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, इन दिनों दिल मेरा मुझे, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेप एयरपोर्ट, ध्यान भाई और ये फीलिंग, कुछ घंटे रह गए बस हम लोगों के साथ अब तो ना, इतना सफ़र हमारा अच्छा गुजरा, साथ गुजरा, अब बस कुछ घंटे हैं
थे आधा अपनी गली हम अपनी गली, याद आएंगे ये लम्हे हमारे जो साथ गुजरे। क्यों भी सीबे कुछ घंटे रह गए बस यार, ना करें जनाब सोच के कुछ होता है। जो इस बंदे ने परदेसी किया सबको, काश मेरा भी वीजा लगता। यार बंटी उदास है, कह रहा है मेरा भी वीजा लगता मैं भी जाता। क्या बात, बस कुछ घंटे और फिर हर कोई अपनी अपनी गली होगा। अगले साल हम लोग अपने अपने रिश्ते होंगे, ये कहीं होगा, ये कहीं फिजाज कहीं फ्रेंड में कहीं, हर बंदा अपने अपने रिश्ते अपनी अपनी गली होगा। ये लम्हा याद आएगा हमें, ये बड़ा खास और बड़ा खूबसूरत लम्हा है। कहना हुन असि किस तरह जाया करना, मैं कह हुन ही तैनू फोन आएगा किसी ना किधर गंदी घर वापस आ घर वापस आ, हुन तू ते तेरी बीवी को भाई जान। बड़ा इमोशनल सीन हो रहा था इधर, ऐसा रोता रोता ही वॉशरूम को गया। ओहो सारी बात इमोशनल सीन तो हो जाता है। कभी खुशी कभी गम जुदा होंगे हम। आपकी एयरलाइन कौन सी है? एयर सीरी। और जहाज नंबर कौन सा? देखो ये PF R144 ठीक है, कराची आ गया वो लिखा हुआ चेक इन, ये उर्दू में आ रहा है अभी अभी ये चेंज होगा और आ जाएगा अपना इंग्लिश में, ये आ गया इंग्लिश में वो लिखा हुआ चेक इन, ये गौर करें ये कराची की फ्लाइट है इनकी चेक इन। गुड बाय पाकिस्तान। हारेंगे नहीं दोस्त, हजार बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस नाउम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लौ जिंदा रखेंगे, दिखाएंगे उस दुनिया को कि देख हम जिद्दी लोग फिर से आ गए, देख ए दुनिया हम जिद्दी लोग फिर से जमाने में छा गए। हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं। कभी खुशी कभी गम, अभी इतने पैपा भी बैठना वा अपने मुल्क जैसा मुल्क नहीं है, मैं तो ये कहूँगा यहाँ सात सीजन है, सात ही सीजन होते ना। बॉस किधर को जा रहे हैं? थोड़ा सा ना कमी कमी महसूस हो रही है अब दोनों को छोड़ने के बाद, ना लग रहा है जैसे कुछ ना खाली खाली है, गाड़ी भी पीछे पूरी खाली हो गई है। अभी तो इतना खैर इतना खास फील नहीं हो रहा, बट मुझे लगता है कि कल परसों तक ना अच्छा खासा महसूस होगा। तो कुछ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. दोस्तों को छोड़ के ना फिर आ गए हैं DHA Phase 6 राया। हमारे साथ के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ना ये एरिया नहीं देखा हुआ था, तो सोचा क्यों ना उनको DHA Phase 6 राया दिखा दें। ये हमारा दोस्त है फिजान, फिजान रसूल। यार कैसा लगा आपको DHA Phase 6 राया? यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, अभी तो हम एंजॉय और करेंगे। बैक साइड पे देखें क्या बात, माशाल्लाह खूबसूरती। यूपी वाले गोए मिनी दुबई, कैसा लगा आपको ये हमारा पाकिस्तान? यार नालो भी ज्यादा ना खराय ना था। अच्छा नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है। The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. इसके बाद हम लोग ट्रैक अप सीधा घर पहुंचेंगे और यहां से व्लॉग का करता हूं मैं एंड। तो ये थे हम लोग दो दोस्तों को, हम लोग
कुछ निकालने लगा लगता है। एक मिनट बस दोस्तों, कुछ निकालने वाला आप लोगों के लिए स्पेशल पहुंच गया। ओह माय गॉड भाई, यूके वाले ये लगता है पैदा ही यूके के लिए हुआ था। देख रहे हो अभी यूके पहुंचा नहीं, वो स्टाइल और हाथ में चेन स्वैग, भाई क्या बात है। यहाँ से करता हूँ ब्लॉग का एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये ब्लॉग काफी एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। दोस्तों कह दो यार प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट। जिन लोगों के साथ आपके अंदर का जो बच्चा है वो खुश महसूस करता है ना, मुझे लगता है वो लोग सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए, क्योंकि उनके आगे आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, आप बच्चा बन के रह सकते हैं।